आके रो रहा है गोविंद की गली में, क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में, क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में, क्यों आके रो के उनसे कह दे जो मन में चल रहा है, भूल के उनसे कह दे जो मन में चल रहा है, भूल के उनसे कह दे जो दिल में चल रहा है, भूल के उनसे कह पहली गली या कोई सी भी गली समझिए, तू खुल के उनसे कह दे जो दिल में चल रहा है। इसे ही कुंठा कहते हैं, क्यों बाहरी जगत का वातावरण चाहे घर हो, परिवार हो, व्यापार हो, कोई जरूरी नहीं हम जैसा चाहें वैसा ही मिले। कई बार नेगेटिव भी बहुत सामने आ जाते हैं और उन्हीं की कुंठाएं मन में बैठ जाती हैं। और नारायण का निवास कहाँ गया, कहा गया है कि बैकुंठ में उनका निवास है। बैकुंठ का मतलब क्या, कि जहाँ किसी भी प्रकार की कोई कुंठा नहीं, कुंठा रहित जीवन नारायण का निवास, यानी कुंठाएं ना हो तो आंतरिक प्रसन्नताओं से व्यक्ति भर जाता है। वही नारायण है आंतरिक प्रसन्नताएं, और कुंठा जीवन से निकल जाए यानी हिपोक्रेसी। प्रॉब्लम क्या फिलोसफिकली, कि हम जैसे हैं नहीं वैसा अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, बातें बिगड़ जाती हैं। तू खुल के उनसे कह दे जो दिल में चल रहा है, तू खुल के उनसे कह दे जो दिल में चल रहा है, वो जिंदगी के ताने बाने जो बन रहा है, वो जिंदगी के ताने बाने जो बन रहा है। हम दिल की बातें दिल में रख लेते हैं, किसी से कोई द्वेष हो जाए, मतभेद भी हो जाए, मनी मन में प्रतिशोध की भावना इतनी घर कर लेते हैं, जलते अपने आप ही। इसलिए आजकल डॉक्टरों से ज़्यादा भी काउंसलिंग और साइकाट्रिस्ट ये ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं। काउंसलिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती जा रही है, ताकि हम अपने मन की बात बाहर निकाल दें, कुंठाएं बाहर निकाल दें। तू खुल के उनसे कह दे जो दिल में चल रहा है, तू खुल के उनसे कह दे निकलते ही हर सुबह है खुशनुमा है गोविंद की गली में, हर सुबह है
खुशनुमा है गोविंद की गली वे। हर सुख है खुशनुमा है गोविंद की गली वे। हर सुख है खुशनुमा है गोविंद की गली में। क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में। क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में। हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। तुझे इंतजार क्यों है इस रात की सुबह का। तुझे इंतजार क्यों है इस रात की सुबह का। तुझे इंतजार इंतजार क्यों है इस रात की सुबह का। मंजिल पे गर निगाहें दिन रात क्या जगर क्या। मंजिल पे गर निगाहें दिन रात क्या जगर क्या। दूसरी गली कामयाब, ये कामयाब गलियां हैं सारी। मंजिल पे गर निगाह, हमारी नजर अपने लक्ष्य से चूके नहीं, हटे नहीं। देखो दो तीन बातें हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ आवर लाइफ, लक्ष्य क्या है हमारे जीवन का। मान लो ईश्वर प्राप्ति अगर हमारे जीवन का लक्ष्य है तो केवल लक्ष्य बनाने से बात नहीं बनेगी, लक्ष्य प्राप्ति की तीव्रता कितनी है हमारे अंदर वो भी जरूरी है। चाहे जिस व्यक्ति का जो भी लक्ष्य हो, लक्ष्य प्राप्ति की यदि चेष्टाएं नहीं है तो केवल लक्ष्य बनाने से बात बनने वाली नहीं। इसे सूफी संत कहते हैं, संत और ग्रंथ कहते हैं कि तुझे इंतजार क्यों है इस रात की सुबह का। सुबह उसने बनाई है तो रात भी उसी ने बनाई है। पॉजिटिव उसने बनाए हैं तो नेगेटिव भी उसी ने बनाए हैं। इसलिए डर मत, बस अपनी नजर मंजिल पर ही रख, बात बन ही जाएगी। तुझे इंतजार क्यों है इस रात की सुबह का। तुझे इंतजार क्यों है इस रात की सुबह का। मंजिल पे कर निगाह है दिन रात क्या डर क्या। हर रात रंगनुमा है गोविंद की गली में। हर रात रंगनुमा है गोविंद की गली में। हर रात रंगनुमा हर रात रंगनुमा है गोविंद की गली में। क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में। क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में। हर दर्द की कह दे कोई ऊंचे बोल बोले।
उनसे कह दे कोई ऊंचे बोल बोले, कोई के उनसे कह दे कोई ऊंचे बोल बोले, कोई के उनसे कह दे कोई ऊंचे बोल बोले, सुनता है वो उसी की बोली जो उनकी बोले, सुनता है वो उसी की बोली जो उनकी बोले, किसकी सुनता है जो उनकी बोली बोले, और उनकी बोली क्या है श्रीमद् भागवत में आता है, मधुरया गिरा वल्गु वाक्य, वाणी में मधुरता और मान सम्मान देने की वृत्ति वल्गु वाक्य, विनम्रता के साथ साथ मधुरता के साथ साथ दूसरों को मान देना भी हम जान जाए बात बन गई सुनता। और अक्सर ऐसे कई किस्से देखे गए हैं, वो कहते हैं हवाएं अदब से बहती हैं गोविंद की गली में, क्यों बहती है, कई बार होता है ना किसी पार्टी की हवा खराब हो जाती है, मार्केट में आ जाती है, कहते हैं भाई फला पार्टी की हवा आ गई है, जिन्होंने उधार दिया होता है सुबह सुबह घर पे पहुंच जाते हैं मांगने के लिए, उस समय ऐसे भी किस्से देखे गए हैं, व्यक्ति ने अपनी वाणी पे कंट्रोल किया, दूसरों को मान सम्मान दिया कि भाई जैसे तैसे भी मैं तुम्हारी जरूर ये कर्जा चुकाऊंगा, थोड़ा वक्त जैसे भी है बात, इतनी मधुरता व्यवहार में विनम्रता कि जो मांगने आया था वो कहते नहीं यार तू आदमी तो बढ़िया है, तुझे और चाहिए तो और ले लेना हमारे, बाकी जब वो दे देना, बाकी और चाहिए तो और सहायता ले लो, ये क्यों, वाणी की मधुरता मान सम्मान देने की वृत्ति, सुनता है वो उसी की बोली जो उनकी बोले, सुनता है वो उसी की बोली जो उनकी बोले, हवाएं अदब से बहती हैं गोविंद की गली में, हवाएं अदब से बहती हैं गोविंद की गली में। एक बात और बड़े महत्व की, हम कहते जरूर हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, हकीकत क्या है कि इस दुनिया में ज्यादा प्यार की नहीं मान सम्मान की जरूरत है, घर परिवार भी इसीलिए बिगड़ते हैं, बातें इसलिए बिगड़ती हैं कि मान सम्मान नहीं देते हैं, और जहां यह वृत्ति आ जाए वाणी में मधुरता और मान सम्मान, हवाएं अदब से बहती है गोविंद की गली में, हवाएं अदब से बहती है गोविंद की गली में, आके रो रहा है गोविंद की गली में, क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है की गली में, दो घूंट जाम के हैं हरि नाम की तू पी ले, दो घूंट जाम के हैं हरि नाम की तू पी ले, दो घूंट जाम के हैं हरि नाम की तू पी ले, दो घूंट जाम के हरि नाम की तू पी ले, फिक्र हयात क्यों है जैसा वो चाहे जी ले, फिक्र हयात क्यों है जैसा वो चाहे जी ले, जिंदगी में बात फिर भाई बिगड़ती क्यों है, हम अपनी लाइफ अपने स्टाइल से ही जीना चाहते हैं, और इसमें भी आशा मेरी पूरा कोई दूसरा करे, इसलिए ये क्रेश बने रहते हैं। यहाँ प्रेमी कहता क्या है,
फिक्र हयात यानी जिंदगी में चिंता क्यों है तुझे, तो वो कहते हैं ना कि इट्स माई लाइफ, अपने हिसाब से जीना चाहते हैं लेकिन जरूरी नहीं हर बार हर बात तेरी बनती ही जाए, कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, सेटलमेंट भी करना पड़ता है, पेशेंस और टॉलरेंस भी रखना पड़ता है। फिक्रे हयात क्यों है जैसा वो चाहे जी ले, फिक्रे हयात क्यों है जैसा वो चाहे जी ले, साकी है मैं कदा है गोविंद की गली में, साकी है मैं कदा है गोविंद की गली में, साकी है मैं कदा है गोविंद की गली में, साकी है मैं कदा है गोविंद की गली में, क्यों आके रो गोविंद की गली में, क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में, इस ओर तू खड़ा है लहरों से कैसा डरना, इस ओर तू खड़ा है लहरों से कैसा डरना, इस ओर तू खड़ा है लहरों से कैसा डरना, इस ओर तू खड़ा है जी रहा है पगले ये कैसा जीना, मर मर के जी रहा है पगले ये कैसा जीना, मर मर के जी रहा है पगले ये कैसा जीना, मर मर के जी रहा है पगले ये कैसा जीना, खड़ा है उस ओर वो बीच में भव सागर, अब जब सागर बीच में है तो ज्वार भाटे तो आएंगे, आंधियां भी आएंगी, तूफान भी आएंगे, बवंडर भी आएंगे, यदि हमारी नजर इन नेगेटिव्स पर है फिर बात बनने वाली नहीं, पॉजिटिव यानी उसकी अहेतु की कृपा देख कि दूसरी ओर वो स्वयं खुद नाव लेकर खड़ा है कि यहाँ से नजर हटा मेरी कृपा पर नजर कर तो मैं स्वयं तुझे लेने आया हुआ, मर मर के जी रहा है पगले ये कैसा जीना, मर मर के जी रहा है पगले ये कैसा जीना, कश्ती है ना खुदा है गोविंद की गली में, कश्ती है ना खुदा खुदा है गोविंद की गली में, ना खुदा यानी केवट नाविक मल्ला, हर समस्या में समाधान छिपा हुआ है, बस नजर की बात है, हर नेगेटिव कोई ना कोई पॉजिटिव दे ही देता है, कश्ती है ना खुदा है गोविंद की गली में, कश्ती है ना खुदा है गोविंद की गली में, जो आके रो रहा है गोविंद की गली में, जो आके रो रहा है गोविंद की गली में, दर्द की दवा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में,
की दवा है, गोविंद की गली में हर दर्द की दवा है, गोविंद की गली में, गोविंद की गली में, गोविंद की गली में, गोविंद की गली में, गोविंद की गली में।